ये है Moto H14 Neo। व्हीकल लेदर का आपको यहाँ पे डिजाइन मिला है और इस कलर का नाम है पैंटोन कनीलबे। दुनिया का सबसे हल्का 5G फोन भी है ये, और आपको एमोलेड कर्व डिस्प्ले मिल रही है, वो भी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। और आज वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट फोन अंडर 25K बन सकता है। वैसे इंटरव्यू बता दूं, मैं इसको 20K भी बोल सकता हूं, क्योंकि इसकी प्राइसिंग कुछ अमेजिंग रख दी है मोटोरोला ने। लेकिन पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, और पैंटोन की मस्त यहाँ पे ब्रांडिंग भी है। ये बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर काफी कूल सा यार ये कवर मिलता है, और इस कवर को जब आप फोन पे लगाओगे इसकी सुंदरता बिल्कुल भंग नहीं होती है। तो इसको लगा देते हैं फोन के अंदर। एक्सक्लेमेशन पिन मिल जाएगा, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स, 69-1 वाट का चार्जर है ये, और टाइप सी केबल मिल जाएगा। और ये रहा फोन, देखने में सच में काफी इम्प्रेसिव लगता है। ये पूरा ही व्हीकल लेदर से बना हुआ है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी की गई है। साइड फ्रेम है तो प्लास्टिक, लेकिन फील्स लाइक मेटल। इसके बटन्स मेटालिक है, वॉल्यूम वाला बटन अलग अलग है, और यहाँ पे सिम ट्रे इसका जो आपको डुअल सिम स्लॉट के साथ आता है। ये रेड वाला प्रोटेक्शन भी है, इससे फोन के अंदर पानी नहीं जाता, मतलब ये वाटर प्रूफ फोन है, जो कि प्रीमियम फोन्स होते हैं। टॉप पे डॉल्बी की ब्रांडिंग भी है, और सेकेंडरी माइक्रोफोन है। चलो सब चीज चेक करके आते हैं। जस्ट 172 ग्राम का मिल रहा है, मतलब कि काफी पतला दुबला और हल्का फोन है, जिसके अंदर IP68 का रेटिंग्स मिलता है, और अपने प्राइस रेंज का पहला फोन है जो कि आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रहा है। इवन 120 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज भी ऑप्शन मिलता है, 10 बिट कलर्स के साथ आ रहा है, और एक्चुअली फोन का कलर काफी ज्यादा नेचुरल रहता है। डिस्प्ले आपको यहाँ पे OLED 6.55 इंच की मिलती है, आउटडोर में पूरा विजिबल रहता है। यहाँ पे आपको 1300 निट्स की कंप्लीट ब्राइटनेस है, कर्व डिस्प्ले भाई, जिससे आपको एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा आएगा। फोन के अंदर मस्त वाले वॉलपेपर कलेक्शन मिलते हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्लिक करो और डाउनलोड करो भाई। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, और ये काफी क्विक है, हमेशा ऑन हो जाता है। सेटिंग्स में पर्सनलाइज का भी ऑप्शन मिलता है, जहां से आप पूरा फोन कस्टमाइज कर सकते हो, फिंगरप्रिंट एनिमेशन हो या लेआउट चेंज करना हो, आइकन्स का साइज चेंज करना हो, या कंप्लीट फोन का थीम, सारा कस्टमाइजेशन ये वाला फोन आपको ऑफर कर रहा है। और फोन का कैमरा 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, और 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड मैक्रो कैमरा मिलेगा आपको, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। इसमें वाइड एंगल भी सेल्फी ले सकते हो, और नॉर्मल तो सेल्फी आती ही है। तो जल्दी से फोटोज ले लेते हैं भाई। ये रहा वाइड एंगल फोटो, और ये रहा मैक्रो मोड का, कुछ सेल्फी भी ले लेते हैं। और सेल्फी के अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर मिल जाएंगे, इवन कि अगर आपको ब्यूटी मोड चाहिए, सारा स्मूथनेस मिल जाएगा भाई, सारा टोनिंग वोनिंग मिल जाएगा, ब्लश भी करवा सकता है ये कैमरा, मतलब नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल सेल्फीज भाई। हमने काफी सारी फोटोज क्लिक की उसके ऊपर, देख रहे हो। सेल्फी के बारे में बात करते हैं, स्किन टोन बहुत ही अच्छा मेंटेन कर लेता है ये पोर्ट्रेट मोड की सेल्फी है, एज डिटेक्ट भी बहुत ही अच्छा हो पाता है यहाँ पे। ये भी पोर्ट्रेट मोड की सेल्फी है, यहाँ पे देखो इसने एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा किया है, और ये पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे HDR अच्छा मेंटेन हुआ है, और ओवरऑल फोटोज का जो फील है ना, बहुत ज्यादा नेचुरल रहता है, स्किन टोन भी अच्छा मेंटेन करता है ये वाले फोटोज का, कलर्स बहुत ही अच्छा मेंटेन हुआ है। और ये है नॉर्मल मोड की 2x की फोटोज, यहाँ पे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई है, 2x पे फोटोज है, लेकिन कलर्स अच्छे आए हैं। ये है नॉर्मल मोड पे फोटो, यहाँ पे कलर्स क्वालिटी हर एक चीज बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन जो वाइड एंगल है मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा, यहाँ पे थोड़ा लाइट और ज्यादा आ जाता है कैमरे के अंदर, और डिटेल्स भी थोड़ी कम है इसके अंदर। और ये मैक्रो मोड की फोटोज, इसमें डिटेल्स बहुत अच्छी आई है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा कैमरा अपने प्राइस के हिसाब से, तो जो नेचुरल टोन में फोटोज लेता है, पोर्ट्रेट पे बहुत ही अच्छा बैलेंस रहता है, और सेल्फी मस्त ब्यूटीफुल एंड डिटेल्स वाली। और यहाँ पे 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इवन की वाइड एंगल में भी 4K का सपोर्ट मिल रहा है, वाइड एंगल से 1x में ये स्विच नहीं कर पाता है। और वीडियो बनाते समय फोन का फोकस बहुत जबरदस्त है, फूल के रेशे जैसे शूट कर लेता है भाई, देख रहे हो क्या शूट कर रहा है, चूटे को भी 2x पे जाते हैं, बहुत अच्छी डिटेल निकाल के देता है कैमरा। इवन की इसके सेल्फी वीडियो में भी आपको 4K का सपोर्ट मिल रहा है, और ये वाली वीडियो हम लोग 4K में ही शूट कर रहे हैं Moto H40 Neo से। मैंने अपना हाथ पूरा स्ट्रेच किया हुआ है, फ्रेम ठीक ठाक मेंटेन कर लेता है ये वाला कैमरा। वीडियो क्वालिटी के कलर्स काफी ज्यादा नेचुरल रहते हैं, और क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, फोकस भी बहुत तगड़ा ट्रैक कर रहा है, मेरे हिसाब से अपने प्राइस रेंज का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा भी है। और फोन के अंदर यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो अभी थोड़ा सा इधर चलता हूँ, कैसी क्वालिटी आ रही है, कैसा ये ब्लर मेंटेन कर पा रहा है, आप कमेंट बताओ। मैंने चेक किया है, मुझे तो बहुत तगड़ा लगा है। और फोन की प्राइस स्टार्ट हो रही है 20,999 रुपए से, और 12GB वेरियंट आपको 22,999 रुपए मिलेगा, लेकिन ये आपको फेस्टिवल ऑफर है। एक्चुअल प्राइस फोन का 23,999 है 8GB रैम के लिए, और 25,999 है 12GB वेरियंट के लिए, प्लस आपको 1,000 रुपीज और ऑफ हो जाएगा बैंक ऑफर या एक्सचेंज बोनस के साथ। मतलब फोन की प्राइस 20,000 रुपए हो गई है, बहुत इंप्रेसिव प्राइस है मेरे हिसाब से। 20,000 रुपए में अभी उठा लेना, बाद में प्राइस बढ़ने वाला है। और अब बात करते हैं फोन के दिल के बारे में। भाई दिल अच्छा होता है ना, हर चीज अच्छा हो जाता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर मिला आपको MediaTek Dimensity 7030 मिला है। अब ये वाला प्रोसेसर इंडिया में पहली बार इस फोन के अंदर आ रहा है, और ये 5G प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर का है। 14 5G बैंड्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, आपका 5G मस्त चलने वाला है। नंबर्स के बारे में बात करें, आंतु स्कोर इसका 5 लाख से ऊपर आ रहा है,
है। और अगर BGMI इसके ऊपर खेलते हैं, इसके अंदर आपको गेमिंग के काफी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ से आप कॉल ब्लॉक कर सकते हो, नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। ग्राफिक्स में HDR पे अल्ट्रा मैक्सिमम सेटिंग्स है, इसके अंदर स्मूथ पे एक्सट्रीम भी खेल सकते हो। वॉल्यूम फुल कर देते हैं भाई, इसके अंदर डुअल स्पीकर भी है, नीचे वाला स्पीकर थोड़ा ज्यादा लाउड है, लेकिन गोली मारूं अगर भाई सराउंड साउंड इफेक्ट आ रहा है। भाई इसका टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और क्या स्मूथ चल रहा है भाई डिस्प्ले। वैसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस अभी फुल पे है। ज़्यादा जोश में आ गया था, घर में घुस के मारूंगा, बट आज मैंने बता दिया उनको सबसे बड़ा सांप कौन है। फिर से मारा भाई पीछे से इसको, आज पता चल जाएगा सबसे बड़ा सांप कौन है। दोस्तों तुम्हारा भाई MVP बनाया आज है। गेमिंग स्पेस तो मस्त आया है, डिटेल में देखना है। हमारे गेमिंग चैनल है ना भाई टेकूब गेमिंग, सर्च करो, जाओ उसके ऊपर और डिटेल में देखो, क्योंकि फोन थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है, लेकिन कितना हीट हो रहा है, 1 घंटे गेमिंग, 2 घंटे गेमिंग, 10 घंटा गेमिंग, सब बताएंगे हम आपको अपने गेमिंग चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। इतने पतले फोन के अंदर इन्होंने डाल दिया 5000 mAh की बैटरी और बॉक्स के अंदर आपको 69-1W का चार्जर भी है। आज सुबह मैं अनबॉक्सिंग की, मैंने भाई 10 मिनट चार्ज किया था, मैंने 7 से 30% बैटरी हो गई थी ऐसे। और के ऑप्टिमाइजेशन के साथ अगर आप गेम और थोड़ा हेवी यूज करोगे, 1 दिन की बैटरी लाइफ आराम से मिलेगी, मतलब बैटरी में कोई इशू नहीं होने वाला है। और स्टॉक एंड्रॉइड भी इसके अंदर है, एंड्रॉइड 13 है, 2 साल का OS अपडेट है, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट है। ओवरऑल फोन एकदम कड़क धमाल मसालेदार है और जो प्राइस पे आ रहा है 21,000 rupees फेस्टिवल ऑफर वाला, वो बहुत ही अच्छा प्राइस है। और आपको लेना तो आप डेफिनेटली लीजिए, Motorola H40 Neo एक बहुत ही अच्छा फोन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।